सारों से डर गया भाई, पता नहीं वो कहाँ पे है। और मैं पहाड़ों पे घूम रहा हूँ भाई अकेला, कोई भी नहीं है, नहीं आगे है ना पीछे, पता नहीं भाई कहाँ से रास्ता मिलेगी कहाँ से नहीं। घूम रहा हूँ ऐसी, ये देखे। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माइन ब्लॉग। गाइज अभी हम रुके हुए हरिद्वार में एक होटल में, तो गाइज हमने खाना वाना सब खा के फिट है, तो अभी कुछ ही देर में निकलेंगे हम मनसा देवी की यात्रा करने के लिए। गाइज जैसे ही हम मनसा देवी की यात्रा करने के लिए निकले थे, तो भाई इतना तगड़ा जाम था ना, ये देखिए आप कितना ज़्यादा तगड़ा जाम है, मतलब निकलना मुश्किल हो गया था यहाँ से हमारा। फिर यहाँ से हम ऊपर चल रहे थे, तो यहाँ भी इतना ज़्यादा जाम था ना, बहुत ही मुश्किल था भाई ऊपर पहुँचते पहुँचते, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था हमें पहुँचते। गाइज पता है इतनी भीड़ है ना भाई, हालात ख़राब हो चुके बहुत ज़्यादा भाई। ऐसा जाम ना मैंने लाइफ में पहली बार देखा, मतलब पैदल जाम बिल्कुल, मतलब वाहनों के जाम तो बहुत बार देखे लेकिन पैदल जाम मैंने पहली बार देखा भाई, इतना लंबा जाम यार, भाई साहब थक गए चलते चलते। गाइस ये देखिए कितने क्यूट लंगूर हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही प्यारा लंगूर लग रहा है भाई, बहुत ही अच्छा है। गाइस अभी रुके हुए हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए भाई, थक गए ऊपर पहुँचते पहुँचते, बहुत ऊंचाई पर हैं हम। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें, देखो हरिद्वार पूरा सिटी और हर की पैड़ी, पीछे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको अभी एक मिनट रुको। गाइस ये देखिए हरिद्वार का नज़ारा, ये हर की पैड़ी सामने नज़र आ रही होंगी आपको। और भाई ये देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा, मेरी जान भाई साहब कुछ अलग ही है। और सामने माँ चंडी मैया का मंदिर है, वो जो दिख रहा है मेरी उंगली के सामने, जस्ट बिल्कुल सामने। गाइस ये देखिए हम कितने ऊंचाई पे खड़े हुए हैं, देखो पीछे ये राकेश खड़ा हुआ बराबर में, और भाई देखो पीछे पूरा हरिद्वार सिटी है देखो, और हर की पैड़ी एरी पीछे भाई, जस्ट बिल्कुल बराबर में पीछे हैं भाई। मनसा देवी की चढ़ाई कर रहे हैं अभी, समथिंग एक आधा घंटा लगेगा और ज़्यादा ही लगेगा भाई अभी तो। भाई ये पीछे सारा हरिद्वार सिटी है भाई, बहुत ही अच्छा व्यू है आज के। गाइस पता है मैं ना, जो मेरे साथ के लड़के हैं सारों से डर गया भाई, पता नहीं वो कहाँ पे हैं। और मैं पहाड़ों पे घूम रहा हूँ भाई अकेला, कोई भी नहीं है, नहीं आगे है ना पीछे, पता नहीं भाई कहाँ से रास्ता मिलेगी कहाँ से नहीं। घूम रहा हूँ ऐसी, ये देखिए चारों तरफ, इधर भी रोड खाली पड़ा हुआ है और इधर भी। कॉल वॉल कर रहा हूँ, अभी कॉल वॉल नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे। और यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, नीचे का व्यू कितना नीचा है यहाँ पे देख रहे हो, बहुत ज़्यादा नीचा है। सामने हर की पौड़ी दिखाई दे रही होंगी ये आपको, ये देखिए। बहुत अच्छा नज़ारा है यार, बहुत यार, हरिद्वार के तो नज़ारा ही कुछ अलग है भाई। तो गाइस ये देखो कितने कितने ऊंचे पहाड़ हैं, और सामने रोड है, मैं अकेला जा रहा हूँ यार, पता नहीं कहाँ गए सारे मेरे साथ के। गाइस मैं पता है अकेला ना काफ़ी दूर चले आया, अभी कॉल पे मेरी बात हुई है तो बोल रहे हैं लोकेशन मैंने उन्हें सेंड करी, वो यहीं पर आने वाले हैं सारे फ्रेंड मेरे, उन्हें मैंने लाइव लोकेशन सेंड करी है, तो कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं यहाँ पर। भाई मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो कितना नीचा है यार इधर भाई साहब, इतना गहरा है ना बहुत ज़्यादा, ये देखो बहुत ही गहरा, मतलब कोई लिमिट नहीं है भाई, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है भाई साहब, एक नंबर लग रहा है। तो भाई वो कुछ ही देर में मेरे पास पहुंचने वाले हैं सारे मेरे साथ के जितने भी लड़के हैं, तो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो भाई साहब फाइनली ये मेरे फ्रेंड आ चुके हैं, ये पीछे कहाँ आ रहे तुम, मनसा देवी का भाई साहब अकेला परेशान हो गया मैं, मजाक से देख इधर रास्ता ना इधर भी भाई, रोड पहाड़ों में अकेला। भाई साहब ये मेरे पास आ चुके हैं सारे लड़के, मैंने लाइव लोकेशन सेंड करी थे, तो भाई इधर से ही आए थे, पता ना कहाँ से मनसा देवी पे थे ये ऊपर, ये इधर से रोड आ रहा भाई, मैं अकेला गुम हो गया भाई, पता ना कहाँ पर, मज़ा आ रहा भाई लेकिन पहाड़ों में जो भी है भाई, देखो कितना अच्छा रिस्पांस है पीछे देख रहे हो, और पहाड़ वहाड़ भाई एक नंबर, मज़ा आ रहा। तो भाई अभी जाएंगे मनसा देवी पे थोड़ी देर में, और फोटो वोटो क्लिक करें थोड़े से, फिर निकलते हैं मनसा देवी के लिए। कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं मनसा मैया के मंदिर में, तो भाई प्रसाद भी ले लिया हमने, और ये बाकी टीम मेंबर सारे हमारे, सबकी हालत भाई ख़राब हो चुकी है, बहुत ही ऊंचाई पर आ चुके हैं हम भाई, सब पसीने छोड़ रहे हैं। तो भाई कुछ ही देर में मंदिर में पहुंचने वाले, प्रसाद चढ़ा के फिर निकलेंगे, फिर नहाएंगे, फिर जाके गंगा में। भाई साहब मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, कुलदीप की हालत ख़राब हो गई भाई, देखो शर्ट निकाल के चल रहा है, सबकी हालत ख़राब है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है ना, बहुत ही गर्मी है। एक तो ऊपर से बैग टांगने पड़ रहे हैं दो दो, अब तो बैग रख दिए हैं हमने, यहाँ से हमने प्रसाद लिया था ना वहीं पर हमने बैग रख दिया है, तो अभी थोड़ा सुकून मिल गया है। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं मनसा मैया जी के दरबार में, मतलब दरबार यहाँ से स्टार्ट हो गया मैया जी का। ये देखिए गाइस इधर कितनी भीड़ है, देख रहे हो आप, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, सभी लोग मैया के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
भाई इतनी भीड़ है ना, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं खड़े खड़े, लेकिन कोई बात नहीं, मैया जी के दर्शन भी करने बहुत ज़रूरी है। कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले मंदिर। सो फाइनली गाइज हमने मनसा मैया के दर्शन कर लिए हैं। भाई अंदर ना कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम अंदर का कोई सीन नहीं दिखा पाए। तो भाई हम दर्शन करके आ चुके हैं, कुछ फ्रेंड पीछे आ रहे हैं और ये हरिराम साथ में। तो भाई अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, जहाँ हमारे बैग रखे हुए हैं वहाँ से फिर जाएंगे अपने रूम पे। भाई हम बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं भाई, जहाँ हमारे बैग रखे हुए थे ना पीछे इस वाली शॉप पे, हमारे बैग रखे हुए थे। तो हम बैठे पहाड़ पे भाई, मज़ा आ रहा है, देखो पीछे कितना नीचा, ये देखिए। तो भाई थकान ना इतनी ज़्यादा हो गई है भाई साहब, टांगों में दर्द हो रहा है, लेकिन भाई मैया जी के दर्शन करने थे तो फाइनली दर्शन तो हो गए भाई, जैसे तैसे करके कर लिया भाई, चढ़ा लिया जी भाई जैसे भी था। तो भाई पीछे भी ये भी आ चुका है, राकेश भी और दो चार लड़के और रह रहे हैं। तो भाई थोड़ी देर यहीं बैठेंगे भाई, बहुत अच्छी हवा लग रही है यहाँ पे, देखो इधर से और नीचे देखो कितना नीचा है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, हवा भी अच्छी खासी लग रही है। थोड़ी देर आराम करेंगे फिर निकलेंगे अपने रूम के लिए। भाई अभी यहाँ से ना मंदिर दिख रहा, जहाँ से हम आए थे ना, अभी दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, और यहाँ सामने मंदिर, वहाँ से आए थे हम तो दर्शन करके अभी, मतलब यहाँ से तो अभी ज़्यादा ऊँचाई पर नहीं है, लेकिन भाई नीचे देखोगे ना यहाँ से ये चीज़ देखो, और सामने दिख रहे होंगे ना तुम्हें वहाँ पर रोड वोड दिख रहे होंगे शायद, मैं तुम्हें जूम करके दिखाऊँ, देखो ये देखो गाइस सामने ये गाड़ी वाली दिख रही है ना, कितना नीचे रोड है, बहुत नीचे रोड है यार, बहुत दूर है। तो भाई बहुत ही ऊंचाई पर है मनसा देवी का मंदिर। भाई साहब मुझे ना नींद आ रही है, अब तू हाँ नहाएंगे तू, तुझे रास्ता भूल जावे, तुझे पता ना कहाँ से कौन से रास्ते से आए। देख मुझे ऐसा लग रहा इधर से चल रहा, क्योंकि उधर वाले जाने का, तो वो वापसी इधर से आने वाला रास्ता यही तो था। चलो बैग उठाओ, चलो भाई साहब, यू कन्फ्यूजन हुआ मुझे, अब नहाएंगे नहीं गंगा में। भाई अभी जा रहे हैं हम अपने कमरे पे, हमारे टीम मेंबर सारे आ रहे हैं पीछे, हरिराम मेरे साथ है भाई। अब मज़ा आ रहा है वैसे उतरते हुए, पहले तो टांगों में दर्द हो रहा था, अब तो सीधे भागते हुए जा रहे हैं। तो भाई अब बहुत फास्ट उतरा जा रहा है, कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं अपने रूम पे। भाई अभी हम देखने जा रहे हैं मनसा मैया के मंदिर, वैसे चंडी मैया जी का मंदिर देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी दूर है, तो अभी देखेंगे हम दूरबीन से देखने जा रहे हैं। भाई अभी हम देखने जा रहे हैं दूरबीन से, देख रहे हैं चंडी मैया का मंदिर, यहाँ से ना काफ़ी दूर है, ये दूरबीन लगी हुई है, यहाँ से देखेंगे चंडी मैया का मंदिर। ठंडा पानी की बोतल ले लो मंदिर देखिए, चंडी देवी का मंदिर। तो भाई हमने भी मनसा देवी पे देखा था चंडी मैया जी का मंदिर, बहुत ही क्लीन दिख रहा है, देखिए चंडी देवी का मंदिर है, ये जात शेर बना हुआ है, ठंडा पानी की बोतल, ठंडा पानी की बोतल। भाई इधर दिखा भाई, यहाँ से ना जो मंदिर हम देख रहे हैं ना, उसे पता ही नहीं है कि कहाँ है मंदिर, लेकिन इसमें ना बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। भाई हमने अभी देखा इस वाली दूरबीन से चंडी मैया का मंदिर, मनसा मैया जी के मंदिर पे से भाई बिल्कुल क्लीन दिख रहा था, मतलब यहाँ से ना दिखेगा भी नहीं, मैं तुम्हें दिखा, कुछ पता भी नहीं कि कहाँ है चंडी मैया का मंदिर, लेकिन हमने इसमें से देखा था ना दूरबीन से मैंने अभी, तो भाई साहब बिल्कुल क्लीन दिख रहा था बिल्कुल। गाइस हम आ चुके हैं पहाड़ से नीचे, और कुछ ही दूर है यहाँ से हमारा रूम, तो अभी हम जा रहे हैं रूम पे, फिर मिलेंगे आपको हम अपने रूम पर। भाई इतनी तेज चल रहा है पानी, मगर बंदा गिर गया ना सीधा, पता नहीं कहाँ जाएगा। और ये है कौन सा पुल है, ये धनुष बाण, मतलब धनुष के आकार का बना हुआ है ये धनुष बाण पुल है कुछ ऐसे ही। हाँ देखो ऊपर देखो ये। फाइनली गाइज अभी आ चुके हैं हम अपने रूम पे मैया मनसा जी के दर्शन करके, भाई बहुत अच्छा लगा हमें मनसा जी के दर्शन करके, बहुत मज़े भी लिए थे, काफ़ी घूमे थे, फोटो वोटो क्लिक करी थी। अब भाई पता है मैं इनसे अपने फ्रेंडों से ना गुम हो गया था, मैंने दिखाया था आपको ब्लॉग में पीछे। तो भाई अभी हम चंडी मैया पे जाने वाले थे, लेकिन वहाँ का कैंसिल हो रहा है हमारा, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश, कुछ ही देर में ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। तो गाइज ये वाला ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज कैसा लगा हमारा ब्लॉग, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिस भाई ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।